morning, sir. How are you? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही 30 जनवरी को 4000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके खत्म हो गई हो, लेकिन अब इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दे रही है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण की बजट पेशी सुनने के लिए जब राहुल गांधी संसद पहुंचे, तब जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के जबरदस्त नारे लगाए गए। राहुल गांधी कैसे संसद में एंट्री के दौरान उत्साहित दिखाई दिए हैं और किस तरह की नारेबाजी की गई है, आप भी तस्वीरें देखिए। मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट अब सफेद शर्ट में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी हाफ सफेद शर्ट पहने हुए हैं, लंबी दाढ़ी है, बढ़े हुए बाल हैं और संसद में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी उत्साहित आपको दिखाई दे रहे होंगे, लोगों को गुड मॉर्निंग करते हुए, लोगों से बात करते हुए। राहुल गांधी जैसे ही संसद की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर जितने भी कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं, नारेबाजी करते हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। उसके बाद राहुल गांधी के चेहरे पर स्माइल को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के उत्साह को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी की खुशी को आप देख सकते हैं। बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा जब सितंबर में शुरू हुई और अभी जनवरी के अंत में जाकर खत्म हुई है, इस बीच राहुल गांधी एक बार भी सदन नहीं पहुंचे, लेकिन अब जब राहुल गांधी सदन पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कितने जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा का असर अब सदन में भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये वीडियो जब से निकलकर सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी के उत्साह के साथ ही नारेबाजी की गई है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की, तब से इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महान शायर कवि दुष्यंत ने जो लिखा था, उसे राहुल गांधी चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश की सड़कों ने जो मंजर देखा, वो आज देश की संसद में भी नजर आया है। तो सड़कों पर तो आप जानते ही हैं कैसे जन सैलाब के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में खत्म किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रही और जम्मू कश्मीर पहुंचकर खत्म हुई और अब इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने संसद में एंट्री मारी है और उनकी एंट्री के साथ ही आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का कितना उत्साह है कि वहां पर भी भारत जोड़ने की नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि संसद पहुंचे श्री राहुल गांधी, भारत जोड़ो की हुंकार के साथ कांग्रेस सांसदों ने किया स्वागत, जबरदस्त स्वागत किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि आज राहुल जी की ललकार संसद में भी सुनाई देगी। सड़कों में तो सुनाई दी और अब संसद में सुनाई देगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी एक और बार इसको शेयर किया है और लिखा है कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, आज इन नारों के साथ संसद में राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ। तो ये वीडियो संसद का जो निकल कर सामने आया है राहुल गांधी का, कांग्रेस के नेता, विधायकों, सांसदों और कांग्रेस के पेज से लगातार शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें शेयर करने की वजह यही दिखाई देती है कि ये जो भारत जोड़ो का असर है, भारत जोड़ो यात्रा का असर है, वो संसद में भी दिखाई दे रहा है, वहीं राहुल गांधी का उत्साह भी देखते बनता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, तब राहुल गांधी कल यानी कि मंगलवार के दिन जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, तब राहुल गांधी सदन नहीं पहुंचे। तब खबरें निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी आखिर कहां है। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है,
आज कहाँ है राहुल गांधी? बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्यों नहीं पहुंचे? तो ये सवाल भी किए गए, इसके जवाब भी निकल कर सामने आए कि राहुल गांधी इसलिए अभिभाषण में नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो कश्मीर में ही थे। तस्वीरें भी निकल कर सामने आई जिसमें राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर जो कि कश्मीर में है उसमें मत्था टेकते हुए नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी अब सदन पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर सवाल किया जा रहा था कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो खत्म हो यात्रा खत्म हो चुकी है तो आखिर सदन क्यों नहीं आए। तो अब राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है कि वो कश्मीर में थे और अब वो सदन आ चुके हैं और अब उनकी ललकार सदन में भी सुनाई देगी। खबर देखिएगा एबीपी न्यूज की, इसमें लिखा हुआ है कि संसद पहुंचे राहुल गांधी तो लगे भारत जोड़ो के नारे, वीडियो जरूर देखें। तो वीडियो तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, पूरी चर्चा भी कर चुके हैं कि आखिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है और क्यों कांग्रेस नेता इसे लगातार शेयर कर रहे हैं, क्योंकि संसद में भी भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाए गए हैं। इसी के साथ देखिएगा खबर में अंदर लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का बजट पेश कर रही हैं। इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद संसद पहुंच गए हैं। जब वो संसद पहुंचे, भवन पहुंचे तो प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पार्टी के साथी सांसदों ने उनके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा के लिए भारत जोड़ो के नारे लगाए। राहुल मंगलवार 31 जनवरी को श्रीनगर से दिल्ली वापस लौटे हैं। तो जब वो दिल्ली वापस आए तो किस तरीके की तैयारी की गई, दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से कांग्रेस पूरा उत्साह में दिखाई दी, आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। आप वीडियो देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से खत्म हुई है तो वो जहां भी जाते हैं वहां पर स्वागत सत्कार करने के लिए कांग्रेस कितनी तत्पर है। राहुल गांधी, अरे स्वागत है, बड़ी स्वागत है, अरे स्वागत है, बड़ी स्वागत है। आप वीडियो में देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, पटाखों के साथ, बाजे गाजे के साथ राहुल गांधी की स्वागत करने के लिए ये लोग तैनात हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पूरी करके दिल्ली पहुंचने वाले थे, अपने आवास पहुंचने वाले थे, उसके पहले की ये तैयारियां हैं। आप इन तैयारियों से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कांग्रेस में कितना ज्यादा उत्साह है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा ने भर दिया है, वही उत्साह अब सदन में भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सवाल इस बात का बनता है कि ये जो उत्साह है ये 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कमाल दिखा पाएगा या फिर कि नहीं दिखा पाएगा। और इसी के साथ जो सड़कों पर जनसैलाब चला है, राहुल गांधी को भरपूर प्यार मिला है, वो वोटों में तब्दील हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।